ओके नमस्कार आदाब सलाम, फिरदौस कंप्यूटर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 7 मार्च को, फिर किसी वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और ये 14 मार्च का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमने ये कहा था कि जो बच्चे नहीं आएंगे उन्हें हम कान पकड़वाएंगे और उनको हम 10 उठक पैठक लगाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों के कथा अनुसार हमारी हिम्मत टूटी। जैसे कुछ बच्चे वो अपनी बहाना, जैसे कुछ तो लखनऊ गए, कुछ बच्चे ने कहा सर वो या मेरे पास में आए भी और उनका सर एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन वो मैच्योर थे, बड़े थे। इसके अलावा कुछ बच्चे कि सर मुझे याद नहीं हो पाया, ये मुझे ये प्रॉब्लम आ गई थी, सर एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे या एग्ज़ाम आने वाले, मार्च तो चल ही रहा है, उनके एग्ज़ाम आने वाले, मुझे लगा कि हम पनिशमेंट करते हैं, इनके पास 1000 बहाने हैं, इसलिए मैंने इनको जैसे भी बिहेव कर गए उसको मान गए और हमने किसी को कोई पनिश नहीं किया है। फिलहाल जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको और जो एबसेंट रहे उनके नाम शो करने जा रहे हैं और उनके नंबर्स भी हम जो है शो करने जा रहे हैं। पहला है इंशा अमरीन खान, इनके 80 नंबर मिले इनको हैं। मोहम्मद शारिक, इनको 30 नंबर मिले। 30, अब इससे पहले बोल चुके हैं कि 80 ज़रूर लाएंगे। अगर कोई इंसान 80 लाता है तो इससे बिलो लाता है तो उसको पनिश करेंगे, लेकिन ये 30 लाए हैं इन्हें कोई पनिश नहीं करेंगे। ये इसी टाइप के हैं या अपने मिजाज को ऐसे बनाए हुए हैं और नहीं पढ़ पाएंगे, और जैसा इनका विचार है और जैसा इन्होंने सोच रखा है कि वैसे पढ़ेंगे, ये वैसे पढ़ते रहे। मोहम्मद नदीम, इनको भी 30 मिले हैं। उमरा सिद्दीक, ये हमारी पड़ोसन है, इनके 70 नंबर मिले इनको हैं। मोहम्मद कैफ, ये सुबह 10 के बैच में आते हैं, इनको 50 नंबर मिले हैं। फरहत 2 के बैच में हैं, 50 नंबर। अखिलेश गुप्ता, अखिलेश यादव नहीं गुप्ता, 50 नंबर मिले हैं। मुदस्सिर अरशद, इनको नंबर मिले हैं 10। तौहीद आबाद अंसारी, मिले हैं नंबर 70। शाहीन आबाद अंसारी, इनको 100 में 100 नंबर मिले हैं। इनकी कॉपी बड़ी अच्छी लिखी हुई थी, तारीफ़ काबिल, तो इनको 100 में 100 नंबर दिए गए हैं। मुस्कान आयान, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आयान, उनकी बैंड मुस्कान, उनको 100 में 90 नंबर मिले हैं। फिज़ा सिद्दीक, पहली बार नंबर इतने लाए हैं, 40। ये हैंडीकैप है, हाथ से विकलांग हैं, तभी उन्होंने 40 नंबर्स को जो है उठाया है। मुगीश, 100 में 100 नंबर इनके। मोहम्मद अदनान, इनको 80, इनके यहाँ शादी है, निमंत्रण दे चुके हैं, रिश्वत दिया नहीं हमको है, 100 में 100 80 नंबर अदनान को मिले हैं। मोहम्मद समद खान, 100 में 100। सूफियान, 100 में 100। खुशबू के लिए अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में बैठे हुए थे अंकित, जो जस्ट अभी गए हैं, उनकी सगी बहन है खुशबू, बहुत दूर से आती है फिलहाल के लिए, तो 100 में 100। सनानाज 100 में 100। आफरीन 100 में 100। फरहान, ये फरहान अंसारी हैं, ये 2-4 फरहान पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम मेरे पास, तो फिलहाल के लिए एक फरहान अंसारी, ये सुबह के 7 बजे के बैच में आते हैं, 40 नंबर पाए हैं उन्होंने। विनीत भट्ट, ये एक ऑटो चालक रिक्शा चलाते हैं ये हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस किया है, पहले ये 2 बार 0 लाए हैं, इस बार ये 30 नंबर लाए हैं। फिर लिखा है अमन अंसारी, इनको हमारे पास में बिजनेसमैन के नाम से भी जानते हैं, तो अमन अंसारी को 100 में 100। मोहम्मद मुजम्मिल 100 में 100। इरम खान 100 में 100, उनकी बहन उसका नाम है ऐमन, 100 में 100। एक नो नेम, इन्होंने कोई नाम लिखा नहीं है, लिखा तो अच्छा है, नंबर लाए हैं 70, नो नेम, जो नाम उसमें छूट जाए और जो देख रहा हो वीडियो वो अपने आप को उस पर नाम जोड़ लें और अपना नाम लिख भी दे कि मेरा नाम कौन सा कमेंट बॉक्स में। 100 में 70। ऐमन फातिमा, इससे पहले थी अमन खान 100 में 100, ये अमन फातिमा है, ये भी 100 में 100। जीशान अली, ये चक्कर घर से आते हैं, 100 में 90। मस्कान,
अंसारी 100 में 90, मोहम्मद शाहान सुबह 7 बजे के बैच में 100 में 70, एहसान अली 100 में 80, समीर अहमद 100 में 80, मोहम्मद कशफ, इन्होंने हमको अपने कुछ बेकरी से बिस्कुट भी खिलाया था, पापे खिलाए हैं लेकिन हम उसका हक अदाई कर रहे हैं, 100 में 70, फरहान उमर अंसारी 100 में 70, ईशान कटियार की तारीफ करी जाए कि इस समय ईशान कटियार की जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पहले इनकी मम्मी पढ़ चुकी मेरे पास में है, इनका बड़ा भाई पढ़ चुका है, अभी तीसरी घर की जो है पीढ़ी कहेंगे या जनरेशन कहेंगे, ये मेरे पास ईशान कटियार 100 में 100 मेरे पास मौजूद हैं, हल्का सा होली का रंग भी चेहरे पे लगा हुआ है। ओके, आमिर अंसारी पिछली बार की अपेक्षा बस 100 में 100, चांदनी आज वो अब्सेंट हैं, कुछ सुना है बुखार आ रहा है उनके, मेरी वीडियो देखेंगे ये तो, ये 100 में 100। सिमरन चौरसिया बहुत ज़बरदस्त छात्रा हमारी, मेरा नाम सिमरन चौरसिया, हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा बोलती हैं, 100 में 100। तूबा जमील 100 में 100। सुहेल खान आज एब्सेंट है मेरे पास में, देख रहे होंगे, 100 में 100। सचिन राज 100 में 100। मोहम्मद आसिफ ये सुबह 7 बजे के बैच में है, 100 में 90। कैफ टू क्या है, ये सुबह 7 बजे आते हैं, इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, 100 में 90। फरहान अहमद, ये शीबा हॉस्पिटल में काम करते हैं, फरहान का सर हम आपको सर नहीं बोलेंगे, भैया बोला करेंगे, लेकिन नंबर लाए हैं मेरे छोटे भाई, 20, 100 में 20। मामून, इन्हें कल हम प्रमाण पत्र देने वाले हैं, कल तारीख है 17, कल से होली का अवकाश भी रहेगा, होली की मुबारकबाद बीच बीच में लेते रहिए। तो मामून जो कि कल प्रमाण पत्र ले रहे हैं, नंबर लाए हैं 100 में 30, क्या ज़बरदस्त नंबर है। नेक्स्ट है फरमान खान, इनका नाम मंजूर अली भी नाम इनका है, इन्हें 100 में 90 मिले हैं। दीपक राठौर जो हमारे यहाँ वर्तमान समय में विधायक हुए हैं, राकेश राठौर गुरु, उनके ही भतीजे, नंबर लाए 20। हिमांशु राठौर, ये भी उनके भतीजे हैं, वो 20 तो ये 30। नेक्स्ट आराइश फातिमा खूब अच्छा बोलती हैं, नंबर लाइन 60। पूनम फ्रॉम गद्दीपुर 100 में 60। पप्पी देवी 100 में 60 फ्रॉम गद्दीपुर। जगतपाल, नाम बहुत ज़बरदस्त है, जगत माने संसार और पाल माने पालनहारा, नंबर 30। सुधाकर, ये पुष्प का नाम होता है, फूल का नाम होता है, 50 नंबर। नेहा फ्रॉम गद्दीपुर, ये गद्दीपुर कर्माखेड़ा के आगे वाला, नेहा 50। आलम मोहम्मद आलम 60 नंबर। अमन, ये अमन दूसरे हमारे पास में हैं, ये तूबा वाले अमन जो है एब्सेंट थे, बड़ी मुश्किल से उनको हमने ऑपरेट किया था, प्यार समझाया, ये अमन दूसरे हैं, 100 में 100 मोहम्मद अमन। हीना अब्बासी 100 में 70, आज इनको जॉब के लिए हमने भेजा है, जॉब के लिए एक बात और बोल दे कि जो बच्चे हिंदी की टाइपिंग अच्छी जानते हों, वो आने वाले सोमवार को उन्हें हम कलेक्ट्रेट सीतापुर के DM ऑफिस है वहाँ उनको हम भेजना चाहते हैं, कोई 2 बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो जो जिसको टाइपिंग हिंदी में कुर्ती देव 16 पे टाइपिंग अच्छी आती हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं, मुझे पर्सनली कॉल करेंगे मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप हम बहुत कम देखते हैं। मोहम्मद अरशद 10 का बैच
140। मोहम्मद अरहान, इनके माता पिता चेक करने आए थे कि आते भी हैं कि नहीं आते हैं, 140 नंबर। अनस, ये अनस शाम के बैच में नहीं बल्कि सुबह के बैच में आए हैं, 30 नंबर मिले इनको हैं। मुस्कान मंसूरी, ये हल्की सी हैंडीकैप है पैसे, 100 में 100। हर्ष सक्सेना, इनके पिताजी टीचर्स हैं, 100 में 40। हर्ष के बारे में एक और बोल दें, हर्ष की जो कॉपी है वो आसिया बानो की हैंडराइटिंग और हर्ष की हैंडराइटिंग मैच खा रही थी, यानी हर्ष के कुछ क्वेश्चन आसिया ने हल किया है। नेक्स्ट है शीबा बानो, 100 में 100। ये नहीं, ये दूसरी है, ये फ्रॉम दुर्गापुरवा। अलीशा इरफान, मोहल्ला कोट, 100 में 100। सरिता, लगभग 30 किलोमीटर से आती हैं यादव, 100 में 40। शिवानी कश्यप फ्रॉम दुर्गापुरवा, 100 में 80। नीरज फ्रॉम मधवापुर सिटी स्टेशन के आगे, 100 में 60। एंड आसिया बानो, जिन्होंने कॉपी लिखी थी हर्ष सक्सेना की, 100 में 100। एब्सेंट बच्चों की सूची, इन्हें कोई पनिशमेंट नहीं क्योंकि ये कभी सुधरेंगे नहीं, लेकिन इनके नाम सम्मानी ले रहे हैं। नंबर एक पे नाम है, ये नाम हम हर बार लेते हैं, तो क्या आप मेरी वीडियोस पैक करें तो पिछली वीडियो में चेक करेंगे, ये नाम कमीना हर बार आता है, अनुराग रस्तोगी, विकास दुबे, ये भी नाम इससे पहले हम लिया था, ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये विकास कुमार वर्मा है, हम इनको विकास दुबे के नाम से बनाया मशहूर हैं। जैद, फिर एक विकास कुमार दूसरे हैं, 2। अलीज़ा, ये हमारे वही यूट्यूबर है जो मेरे पापा द ग्रेट, अलीज़ा। यास्मीन फ्रॉम मोहल्ला कोट कबला। प्रतिभा, खुशबू की बहन। फिजा, मोहल्ला कोट उबैद। लाइबा, मोहल्ला मृदी टोला में ज़बरदस्त गायब होने वाले, ये दो दो महीने की शादियां करने गई हैं, शादी तो होती है 1 डेज की लेकिन 2 महीने पहले पहुंच जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लाइबा हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, अगर खुदा न खास्ता लाइबा हमारे परिवार से होती और ये सुनती कि हमारे परिवार में किसी की शादी है और ये 2 महीने पहले आती तो मेरे पर क्या बीतता, वो मुझे अभी से तरस आ रही है उस घर के ऊपर जहाँ ये 2 महीने से शादी को एंजॉय कर रही हैं। ये बासी तो बासी, ये रखा धरा पर कौन सा खा जा रही है। अल्लाह ऐसे मेहमानों को हम सबको बचाए, लाइबा जैसे बच्चे को, लाइबा प्लीज़ सुने अपने और डरें, और अल्लाह का शुक्र मेरे रिश्तेदार नहीं हैं आप, अगर होते तो हम कहते अल्लाह के इनको लास्टली निमंत्रण भेजते जब बारात आने वाली होती या खाना शुरू हो चुका होता लाइबा के लिए। फरहान, इनका नाम मैंने, लाइबा का नाम मैंने कार्ड भी दिया था, फिर इनके पिताजी मेरे पास में आए और बहुत उन्होंने हमें मजबूरी से बोलना पड़ रहा था कि लाइबा का ज़मीर जागे अगर ये देखें, हालांकि लाइबा देखेंगी नहीं क्योंकि लाइबा बड़े आदमी की लड़की हैं, लाइबा के पापा वास्तव में बड़े आदमी नहीं हैं, कमज़ोर थे फाइनेंशियली, उन्होंने तमाम को दलीलें बताई कि क्या क्या दिक्कतें मेरे सामने हैं और मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, लेकिन लाइबा अपने पिता की कमाई को गौर नहीं कर रही हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं आप, इतना गायब रहते हैं, अभी भी वो शादी में ही हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे हैं फरहान बेग, मिर्दही टोले के रहने वाले हैं, पापा बल्ली पटरे का काम करते हैं, सुहेल जानते हैं उनको बेहतर से हैं, ये बहुत गायब, मुझे खुद नहीं पता कब लास्ट टाइम आए थे ये फरहान बेग। नेक्स्ट है अभय श्रीवास्तव, 3 बजे के बैच में हैं, आज कहते हैं आएंगे, कल कहते पक्का सर आएंगे, कल गायब होते हैं वो। कन्हैया 1 हफ्ते से गायब। तौफीक गायब। अंसार गायब, ये नाम हमेशा हम लिए करते हैं। अरुण गायब। फिरदौस, तारीफ़ करें आपकी हम फिरदौस।
नहीं तारीफ करेंगे, अच्छा दुख लगेगा आपको। फिरदौस वैसे बोलने में धाकड़ है, हमारे कई वीडियोस में आई हैं फिरदौस, 15 और 26 जनवरी में भी खूब अच्छा बोला है फिरदौस ने। फिरदौस और जैनब दोनों बहनें एब्सेंट हैं, इनके भाई हाफिज नुमान, इनकी भी एक वीडियो लॉन्च हो चुकी है, वो भी एब्सेंट हैं। कुछ नहीं कहेंगे, आप समझ रहे हैं क्या बात है। ओके, नेक्स्ट है रियाज फातिमा। रियाज फातिमा की तारीफ में ये कहेंगे, रियाज फातिमा हमारे पास में आई थी एग्ज़ाम वाले दिन इत्तिफाक से, उन्होंने कहा एग्ज़ाम है क्या? तो हमने कहा जी बेटा एग्ज़ाम है, आपसे पहले ही कहा था कि ये एग्ज़ाम मतलब कैंसिल नहीं हुआ है, ओनली पोस्टपोन हुआ है। ये तो कहा कि सर बताया नहीं था, तुमने कहा आपने पूछा ही नहीं था कि पोस्टपोन के मतलब ये है कि कभी ना कभी तो होगा ही, ठीक है, कैंसिल मतलब ये है कि कैंसिल होना ही नहीं है, तो पोस्टपोन, तो आपने पोस्टपोन का टाइम पूछा नहीं, तो मौके से आप हाथ लग गए। तो रियाज फातिमा जब शरीक भी हुई तो भी कहाँ से बहुत थक गए हैं और एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे, रियाज फातिमा का भी एग्ज़ाम कैंसिल, और कोई दंड रहित वाला इनको पनिशमेंट नहीं मिली, इंजॉय करें नेक्स्ट एग्ज़ाम को, अल्लाह पाक इनको हिदायत दें, प्रेरणा दें, तौफीक दें इनको कि नेक्स्ट एग्ज़ाम छोड़ने वाले बच्चे एग्ज़ाम दें। एक और है, अभी दो और हैं, जैन मोहम्मद जैन मिर्दही टोले के रहने वाले हैं, और साहिबा 4 बजे के बैच में साहिबा, इनकी यहाँ भी शादी है और ये भी एब्सेंट हैं। अल्लाह पाक आप सबके यहाँ खूब शादियाँ ब्याह हों, कोई कोला ना बचे, सबकी शादी ब्याह होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम छोड़ना, और ये अफसोस की बात है, आप लोग पढ़ने आते हो, वक्त निकालते हो, शादी ब्याह के रास्ते से आप एग्ज़ाम छोड़ते हो। उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, हम मार्च में एग्ज़ाम शायद लास्ट में लें, वो मार्च कर रहे हैं अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल के 10 अप्रैल तक की तो एग्ज़ाम होते रहेंगे 10 से 15, तो अब एग्ज़ाम लेंगे हम वो 20 के बाद ही लेंगे, यानी जब वो बोर्ड की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी हाई स्कूल और इंटर, तब एग्ज़ाम लेंगे। यानी अब अप्रैल में हम आफ्टर 15 एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो ये बहुत टाइम है, एग्ज़ाम दीजिए हाई स्कूल इंटर का। एग्ज़ाम देने के बाद में फिर भी जब वक्त बच जाए, फिर दोस्त कंप्यूटर जैसी पढ़ाई जैसी होती है उसके आधार पर एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू, देखते रहें।